आ रहे हैं कौन जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर हैं यही मुझे मालूम है, हमारे मंत्री बगल में हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी लोग हैं, बाकी कौन लोग आ रहे हैं हवाई जहाज से, कौन आदमी आ रहे हैं ट्रेन से, इतनी जानकारी हम लोग लेने के लिए थोड़ी बैठे हैं। हर लोग आते हैं जाते हैं, उसका हिसाब किताब दूसरे लोग के पास है, हम लोग के पास है। लंबे समय के बाद लालू प्रसाद यादव आज पटना आने जा रहे हैं। आपको बता दें कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन पर सजा हुई थी, वो जेल से उनको बेल मिली, उसके बाद वो अपनी बड़ी बेटी मिसा भारती के यहाँ दिल्ली में रह रहे थे और आज वो पटना आ रहे हैं। पटना आने को लेकर बिहार में जो सियासत है वो शुरू है, पहले से ये चर्चाएं गर्म है कि लालू प्रसाद यादव जब आएंगे तो बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर हो सकता है। जेडीयू आरजेडी के रिश्ते लगातार जो है वो नरम नज़र आ रहे थे, जो तेवर है वो काफ़ी नरम थे, ललन सिंह हो या नीतीश कुमार हो, तो लगातार जो उनका बयान जो आ रहा था वो काफ़ी आरजेडी के प्रति सॉफ्ट नज़र आ रहा था। सीबीआई का जब छापा भी पड़ा तो उस पर भी जनता दल यूनाइटेड ने किसी प्रकार का बयान देने से मना किया, लेकिन देखिए लालू यादव आज आ रहे हैं और बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने बयान दिया है, लालू यादव आ रहे हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है इससे विशेष हमें इसकी जानकारी नहीं है और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। लालू यादव के बारे में ये पूछा गया कि लालू यादव आ रहे हैं क्या कहेंगे, उन्होंने कहा कि लालू यादव आ रहे हैं तो वो पहली बार थोड़ी आ रहे हैं, उससे पहले भी कई बार लालू प्रसाद यादव आ चुके हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस बात को कल कहा था कि लालू प्रसाद यादव आज पटना आने जा रहे हैं, शाम 6 बजे पटना पहुँचेंगे। क्या जो सवाल है कि आखिरकार उनके आने के बाद बिहार में सियासत उलटफेर हो सकता है, हालांकि श्रवण कुमार ने जिस तरीके से बयान दिया है तो लगता नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड में किसी प्रकार से कोई भी उलटफेर की संभावना अब नज़र आ रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि लालू यादव कोई पहली बार नहीं आ रहे हैं, लालू यादव पहले भी जब वो जेल से छूटे थे पिछली बार उसके बाद भी वो पटना पहुँचे थे, उपचुनाव में उन्होंने शिरकत किया, लेकिन उसके बाद फिर वो दिल्ली गए और उसके बाद रांची में उन पर सुनवाई, उसके बाद फिर रांची से वो सीधे जेल गए, जेल से रिम्स और रिम्स से फिर दिल्ली और दिल्ली से पटना आज आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने के बाद क्या होता है, क्या वाकई में ही बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर होगा, क्या वाकई में ही बिहार में सरकार पलटेगी। जातीय जनगणना का मुद्दा एक बार फिर से लगातार गर्म है, जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर सरकार ने तारीख तय कर दिया है, 1 जून को इसको लेकर बैठक भी होनी है। क्या तेजस्वी यादव जब यहाँ आएंगे तब वो बैठक होगी, क्या कुछ संभावनाएं हैं जो कयास के आधार पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन श्रवण कुमार ने लालू यादव को लेकर क्या कुछ कहा है छोड़े जाते हैं पूरे बयान। और बिहार के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से ये अभी तक दिख रहा है, बल्कि और भी तेजी के साथ काम बिहार की सरकार कर रही है। पहले हर पंचायत में हाई स्कूल नहीं थे तो अब हाई स्कूल खोले जा रहे हैं, हर अनुमंडल में डिग्री कॉलेज नहीं थे तो डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं, तो पढ़ाई के लिए बच्चों को बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए जब ये ज्ञान के क्षेत्र में बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से जनसंख्या पर आपे आप नियंत्रण हो जाए। सर ज़्यादा जरूरी कौन है, पहले जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए या जातिगत जनगणना? सब कुछ जरूरी है, मनुष्य के लिए जितना जरूरी हवा है उतना ही जरूरी पानी भी है, और जितना जरूरी भोजन है उतना ही जरूरी वस्त्र भी है, तो आवश्यकता के अनुसार काम हो रहा है और सरकार बारी बारी से इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार काम कर रही है और हर क्षेत्र में सरकार काम कर रही है, किसी को छोड़ के नहीं सबको जोड़ के काम कर रही है, तो इस दिशा में सरकार की पहल हम समझते हैं कि सार्थक पहल है और इस पर सभी लोगों को सहमति व्यक्त करना चाहिए। आप लोग जातीय जनगणना पर जोर दे रहे हैं, आपकी सहयोगी कर रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पहले हो जाना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कोई आज से हो रहा है क्या? उसके लिए स्वास्थ्य विभाग भी काम कर रहा है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने अलग से योजना भी बिहार में बनाई जिसकी चर्चा मैंने किया कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए आगे हाई स्कूल में इंटर तक की पढ़ाई कॉलेज की पढ़ाई कराएंगे तो लड़कियों में एक जागृति पैदा होगा और जनसंख्या नियंत्रण करने में हम सबको सहूलियत होगी, किसी को फोर्स भी नहीं किया जाएगा, किसी को जबरदस्ती भी नहीं किया जाएगा और आप ही आप जनसंख्या नियंत्रण। सर कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? कानून तो बना हुआ है, सर एक आंकड़ा है, कानून का ही तो राज स्थापित है और कानून के हिसाब से ही काम हो रहा है और स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रचार प्रसार भी कर रहा है, एक हमारे दो सबसे ज्यादा एक आंकड़ा है। 2016-17 में जो महिला बंधक की संख्या थी 5 लाख थी,
2020-21 में सर जो नया आंकड़ा है वो 3.5 लाख घट के हो गया, तो कैसे आपके दावे विश्वास किया जाए? नहीं, हमारे दावे तो बंध्याकरण के बारे में हो सकता है कम, लेकिन जो बच्चियां हमारी पढ़ रही है उससे जनसंख्या नियंत्रण हो रही है। जो आंकड़े हैं वो हमारे पास अभी तो आपका डेट आंकड़ा नहीं है, पहले बताते तो हम तैयार होकर आते, लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जो बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जो लड़कियों को पढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं उससे जनसंख्या पर नियंत्रण होगा और ये मॉडल को देश भर के हर राज्य अपनाने को तैयार है और हर राज्य भी अपना रहा है। इसके लिए बिहार के लोगों को काफ़ी प्रसन्नता है। सर, आज लालू प्रसाद यादव आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं? हम लोग यहाँ पर हैं, यही मुझे मालूम है, हमारे मंत्री बगल में हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी लोग हैं, बाकी कौन लोग आ रहे हैं हवाई जहाज से, कौन आदमी आ रहे हैं ट्रेन से, इतनी जानकारी हम लोग लेने के लिए थोड़ी बैठे हैं। हर लोग आते हैं जाते हैं, उसका हिसाब किताब दूसरे लोग के पास है, हम लोग के पास है। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है क्या सर? बहुत कई तरह की चर्चा चल रही, इसीलिए पूछा जाए। अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान अखबार में देखा है और टेलीविजनों पर चल रहा है। एनडीए में ठीक ठाक है, एनडीए ठीक ठाक है और पूरी तरह से सरकार ठीक ठाक से चल रही है, आगे तक भी सरकार चलती रहे। लगता है लालू यादव आएंगे तो राजनीतिक फिजा जो है कुछ बदलेगी? एक बार लालू यादव आए हैं, कई बार तो आए हैं, आते रहते हैं, सब लोग आते रहते हैं, बहुत नेता आते हैं जाते हैं, तो सरकार पर उसका क्या असर पड़ा है? कोई असर तो नहीं पड़ा यहाँ वाला कुछ।